हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने की समीक्षा, समस्याओं के निराकरण को सरकार तत्पर, मोहम्मद। जन अभाव अभियोग निराकरण एवं अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने कहा कि राज्य सरकार आम जन के अभाव अभियोग निराकरण को तत्पर है तथा जन सेवाओं की समय पर अदायगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वो कलेक्ट्रेट सभागार में जन अभाव अभियोग निस्तारण की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में विधायक मेवाराम जैन भी मौजूद थे। इस मौके पर मंत्री मोहम्मद ने कहा कि जनता की अधिकतम समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही निराकरण हो जाना चाहिए ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़े। उन्होंने कहा कि जन सेवाओं से जुड़े अधिकारियों की बेहतर पब्लिक डिलीवरी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जनता के प्रति सीधी जवाबदारी है तथा इसमें लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री ने कहा कि सामान्य प्रवृत्ति की शिकायतों का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। मंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़े प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए इनके निस्तारण में संवेदनशीलता का परिचय देने की हिदायत दी। राजस्थान संपर्क पेट्रोल पर लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि 30 दिन से अधिक बकाया प्रकरणों में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी प्रकार लंबे समय तक पोर्टल को लॉगिन भी नहीं करने वाले विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की आम जन की परिवेदनाओं के निस्तारण की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसी के अनुरूप सभी मंत्री जन सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इसी क्रम में हर हाल में जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर निर्धारित दिवसों को जन सुनवाई होनी चाहिए। इस मौके पर क्षेत्र विधायक मेवाराम जैन ने कहा कि जिले में राज्य सरकार जनता के प्रति पूरी जवाबदेही है तथा गुड गवर्नेंस के लिए प्रशासन तत्पर है एवं इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता की कोई गुंजाइश नहीं है। इससे पूर्व जिला कलेक्टर विश्राम मीना राजस्थान संपर्क पेट्रोल के बकाया प्रकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जिले में जन सुनवाई तथा अभाव अभियोग की प्रक्रिया से अवगत कराया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन दान रत्नो, सहायक निदेशक लोक सेवाएं के गोयल एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। देखो, कोरोना के बाद में काफी लंबा टाइम हो गया था और यहाँ पर जो हमारे विभाग के चाहे आरपीडी का हो, ये महत्वपूर्ण विभाग है। तो मुख्यमंत्री जी खुद चाहते हैं कि जनता की जो भी परिवार आते हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का तुरंत निस्तारण किया जाए। तो आज मैंने सभी विभागीय जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं और मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार जो भी जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं का आप लोग तुरंत रूप से निस्तारण करें, क्योंकि गुड गवर्नेंस और जवाबदेह पारदर्शी शासन देने में जब तक जनता के साथ हमारा विश्वास नहीं रहेगा, जब तक जनता की समस्या को निस्तारण नहीं होगा तो जनता को लाभ नहीं मिलेगा सरकारी। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि छोटी छोटी समस्याएं जहाँ हैं वहाँ पर, जैसे आपने 181 है जो 181 पे कॉल आते हैं कॉल सेंटर हमारा, तो वहाँ पर जितनी भी समस्याएं होती हैं उसमें वहाँ बाकायदा उनके कॉल, उनके जितने भी परिवाद आते हैं उनका संबंधित विभाग को भेजते हैं और उसके बाद में जब तक उसका निस्तारण नहीं होता है तब तक वो शिकायत ड्रॉप नहीं होगी। जब वो परिवाद खुद संतुष्ट हो जाएगा तो ही वो समस्या बाद में ड्रॉप होगी। इसलिए हमारा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को, जो परिवादी हैं उनको संतुष्ट किया। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।